हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, काइट फेस्टिवल यानी कि मकर संक्रांति आ चुका है। लोग अपनी घरों के छतों पर जाकर या फिर मैदानों में जाकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाए रहे होंगे। आप लोगों को पता है, कई गांवों या शहरों के लोगों को पतंगबाजी करना काफ़ी पसंद होता है। इस वजह से पब्लिक इस फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है पतंग उड़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे मज़ेदार गेम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन से ही पतंगबाजी का शौक पूरा कर सकते हैं। और ये गेम इतना रियलिस्टिक होता है, जैसे कि आप रियल लाइफ में पतंग उड़ाते हो, उसी तरह का एक्सपीरियंस आपको ये गेम देता है। और ये गेम उन लोगों के लिए तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, या फिर छतों पर नहीं जा पाते, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने पतंगबाजी अभी तक की नहीं होगी, उन लोगों को ये गेम काफी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से पतंग उड़ाना चाहते हैं, यानी कि पतंग उड़ाने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के टैक्स से रिलेटेड डेली वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो कि वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा कहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद जैसे उसे आप ओपन करते हो, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाकर आप अपने हिसाब से सेटिंग को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में आपको प्ले का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, एक तो सिलेक्ट काइट का और एक सिलेक्ट रील का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऊपर की साइड देख सकते हो, कई सारी कलरफुल यहाँ पर आपको काइट्स देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। जब इनको आप उड़ाओगे तब आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस महसूस होगा। अब मैं बात करूँ उसके नीचे की साइड, यहाँ पर आपको सेलेक्ट रील का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कई सारे कलरफुल मांझे देखने को मिल जाते हैं, जिनको भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं बात करूँ तो इनको कैसे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ऊपर की साइड यहाँ पर आपको कॉइन कलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉइन कलेक्ट किए, उसके बाद मैं एक पतंग को परचेज कर लिया जो कि 900 कॉइन की थी। इसी तरह से आप यहाँ पर मांझे भी कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि ले सकते हो उनको। आपको कॉइन मतलब आप पतंगबाजी करके ही ये कॉइन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करोगे पतंगबाजी तो यहाँ पर आपके कॉइन कलेक्ट भी हो जाएंगे। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको लोडिंग होने लगता है। और फ्रेंड्स, जैसे ही लोडिंग होकर बाद में आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि इसका होम इंटरफेस। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो काफ़ी मतलब रियलिस्टिक लगता है। यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है जैसे यहाँ पर ये पतंग मतलब आप रियल में उड़ा रहे हो, और काफ़ी कलरफुल देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको सारे ग्राफिक्स वगैरह। तो यहाँ पर आपको कैसे पतंग उड़ाते हैं उस तरह से, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ढील देनी होती है। तो यहाँ पर मैंने चलिए इसको ढील दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की साइड आपको दूरी बताता है कितना दूर ये उड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको काटने के लिए क्या करना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरी पतंग है जो कि कट चुकी है, मेरे को रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ सारा कैसे वर्क करता है, ठीक है। ऑप्शन जो कि आपको कई सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो ढील देते हैं। ढील देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या होता है कि यहाँ पर कई सारी आपको पतंग देखने को मिलती है, और ग्राफिक्स देख सकते हो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स वगैरह सारे कुछ उड़ते होते हैं, जो कि बैलून्स वगैरह जो कि पैरासूट वगैरह होते हैं सारे उड़ते रहते हैं। अब मैं इसको कैसे मतलब आपको ढील देना होता है, ढील तो दे दी अपन ने, यहाँ पर आपको बताया कितना दूर तक चला गया। उसके बाद में आप इसको एंगल दे सकते हो, यहाँ पर आप माझी के जस्ट बगल में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो उनसे आप इनको मतलब एंगल दे सकते हो। अब आपको काटना कैसे होता है पतंग को, तो यहाँ पर आपको खींचे हुआ ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप इसको एंगल दे पहले, उसके बाद में खींचे, आपको रेगुलर खेच पे क्लिक करना होता है। तो जैसे यहाँ पर आपको खेचों पे क्लिक करना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो तो अपनी पतंग यहाँ पर किसी को काटती है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं चलिए ढील देता हूँ फिर से, और उसके बाद मैं किसी को काटता हूँ, क्योंकि सब दूर चले जाते हैं जैसे ही मैं नज़दीक ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी पतंग को एंगल दिया, अब मैं इस ग्रीन वाली पतंग को काटता हूँ। तो यहाँ पर आपको रेगुलर दबाना होता है। ऊपर की साइड यहाँ पर आपको एक रेड कलर का आइकन सा देखने को मिलता होगा, तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ अपनी पतंग की जो लेंथ है वो कितनी दूर तक जा रही है, ऐसा कुछ, तो उनसे आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं फिर से इसको मतलब ऊपर की साइड बढ़ाता हूँ और इसको ढील देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पतंग को जब अपन उड़ा के और सीधा स्ट्रेट नहीं छोड़ देते, जो कि आसमान में रेगुलर उड़ती रहती है, तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप उसे रेगुलर छोड़ सकते हैं। अगर आपको इधर उधर इसको थोड़ा बहुत रोटेट करना है, तो यहाँ पर आपको बटन मिलते हैं, इसको आप क्लिक करते रहिएगा और ये रोटेट होती रहेगी। उसके बाद में आपको दूसरी साइड ले जाना है, तो यहाँ पर आप उसको रोटेट कर सकते हो। अगर आपको पतंग वही काटनी है, तो फ्रेंड्स आपको वही आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना होता है पतंग को थोड़ा बहुत। और जैसे ही आप उस पतंग को पूरी तरह से रोटेट करके माजिक साइड दूसरी पतंग की साइड लेके जाओगे, तो यहाँ पर आपको रेगुलर दबाना होता है। अगर आपने रेगुलर नहीं दबाई तो आपकी पतंग कट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं चलिए एक और पतंग, चलो अब छोड़िए नहीं काटना, क्योंकि आपको सारा कुछ समझाई दिया लगभग। और ऊपर की साइड यहाँ पर आपको पॉज का और रीस्टार्ट का, और यहाँ पर आपको जो पतंग जितनी आप काटते हो उतने काउंट होते जाते हैं, उसी तरह से आपको कॉइन भी कलेक्ट होते रहते हैं आपके, ठीक है। तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया वो कैसे ये वर्क करता है, सारा कुछ आपको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस। अब मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स ग्राफिक्स तो काफ़ी अच्छे ही लगे, साथ में अगर आप इसको उड़ाओगे और उसके बाद में आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम को ऑन रखोगे, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे आपको रियलिस्टिक साउंड्स भी सुनने को मिलते हैं, जो कि मतलब पतंग करने के बाद में आपको काफ़ी अच्छा मतलब ऐसे साउंड मिलेंगे जो कि आपको रियल लाइफ में मिलते हैं, उसी तरह के साउंड इफेक्ट हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको काफ़ी पसंद जरूर आएगा। तो
फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। एप्लीकेशन क्या मतलब गेम, और आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी टेक और अपडेट वाली वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, जाते जाते लास्ट में आपको 3 वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती हैं। और फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और उन लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना जो कि पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं, तो फ्रेंड्स उनको ये गेम काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।